सो कैसे है मेरे पब्लिक, ले आए आज आपके लिए कौन है वीडियो। आई नो आप लोग बोल रहे होंगे ओ हो पुनीत नया सेटअप। मैंने की है मेहनत, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, क्या करो। गुलाबी सब्सक्राइब करो भाई को, मत रुलाओ। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। नीचे लाल वाला बटन दबा दो। तो आज का गैजेट है हमारा MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh का। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा ही मतलब बिका था और ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है एंड मैंने सोचा इसका रिव्यू कर दूँ। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट ना करते हुए करते इसे अनबॉक्स। So, ये है हमारा MI पावर बैंक 3i। सो यहाँ आपको ऊपर MI Xiaomi की बैजिंग देखने को मिलती है एंड नीचे मेड इन इंडिया का टैग है। Xiaomi ये दावा करते हैं कि ये फुल्ली मेड इन इंडिया है, बट किसे पता। एंड इसमें आपको ट्रिपल पोर्ट आउटपुट मिलता है, डुअल इनपुट पोर्ट मिलता है एंड एडवांस 12-लेयर चिप प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। MI पावर बैंक 3i 20,000 mAh। एंड इसकी प्राइस आपको बॉक्स पे 2,199 देखने को मिलती है, जो कि इसकी रॉन्ग प्राइस है, बट इसकी रियल प्राइस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। एंड हाँ, आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज आपके लिए वीडियो में एक सरप्राइज है। सरप्राइज छूट जाएगा तो मेरे को मत बोलना। यहाँ सबसे पहले आपको एक केबल मिलता है। इस केबल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिसेंट नहीं बोल सकते, उससे थोड़ी अच्छी है, बस साइज को लेके इशू है। ये USB-A टू USB-C कॉर्ड है। एंड ये हमारा मेन प्रोडक्ट, इसे देखते हैं, रुकिए बट उससे पहले देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या है। ये हमारी MI की पुस्तक, जिसे हम पढ़ते नहीं, इसे ऐसे फेंक देते हैं। चलिए अब इसके कपड़े खोलते हैं। ये पावर बैंक बहुत हैवी लग रहा है, आप इसे किसी के भी सर पे फेंक के मार सकते हैं, पक्का वो मर जाएगा। 100% रिजल्ट्स। इस पावर बैंक में आपको 12-लेयर सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पावर बैंक के नीचे दिया हुआ है, इसे डस्टबिन में ना फेंके, किसी के सर पे फेंके। इस पावर बैंक का डिज़ाइन थोड़ा रफ टाइप का है कि आपके हाथ से स्लिप ना कर जाए। यहाँ आपको MI की ब्रांडिंग मिलती है। इसमें आपको दो USB-A पोर्ट मिलते हैं एंड एक C टाइप पोर्ट देखने को मिलता है एंड एक माइक्रो USB का पोर्ट है। इसमें आपको 2-वे फास्ट चार्जिंग मिलती है फॉर इनपुट एंड आउटपुट चार्जिंग मल्टीपल डिवाइसेस। एंड इस फोन में आपको सबसे स्पेशल बात ये मिलती है कि इसमें आपको C2C पोर्ट चार्जिंग मिलता है, जो कि बहुत कम ही पावर बैंक से मिलती है। इस पावर बैंक को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 8 to 9 hours लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये पावर बैंक आपको फुल्ली चार्ज मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए इसे एक फोन चार्ज करके देखते हैं। ये जो फोन है ये M31S
जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर रखी है, जो कि आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। ये पावर बैंक 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगी। अभी ये 6000 mAh बैटरी का फ़ोन है, इसलिए इसको अभी टाइम लगेगा, इसलिए हम हटा देते चार्जर। ये पावर बैंक का साइज़ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये आपके पॉकेट में आ जाएगा, बट आपकी पैंट खोल देगा वो अलग बात है। M31S में भी आपको C2C टाइप कॉर्ड मिला है, बट उसके लिए भी हमें एक पोर्ट मिला है इस पावर बैंक में, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए इसका प्राइस डिस्कस कर ले। 10,000 वाला आपको 899 में मिलता है, एंड 20,000 वाला आपको 1499 में मिलता है। सो कंक्लूजन ये आता है कि ये पावर बैंक चार्ज होने में बहुत टाइम लेता है, जो कि सारे पावर बैंक्स लेते हैं, इसलिए आप इसे ले सकते हैं। रुकिए रुकिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तो रुको जरा। आज वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है। आज हर एक वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। सो आज का क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप कहीं ना कहीं छोड़ देते हो, बट वो फिर भी आपके साथ रहती है। सोचिए सोचिए क्या होगा। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बट उसके लिए आपको आज का लाइक पूरा करना पड़ेगा, जो कि 20 लाइक्स मुझे पता आप कर दोगे, तो ठोको लाइक। नीचे वाला जो लाल सब्सक्राइब बटन है उसे काला करना मत भूलिएगा। लव यू गाइस।